शांति जीवन का रहस्य क्या है हमें इस जीवन को कैसे बिताना चाहिए क्या करना चाहिए हमेशा मानव के मन में यह रहस्य रहा है जीवन में क्या करने योग्य है सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिकता क्या सिखाती है एक सुंदर सा वाक्य है एक बार कबीर जी किसी बहुत बेहद गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे सत्संग कराने जा रहे थे गांव के लोग बहुत ही भोले सादे अनपढ़ थे तो उन लोगों ने आके कबीर जी से कहा महात्मन हम गांव के लोग हैं हम ये कठिन शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते हैं न ही इन कठिन शास्त्रों के ज्ञान को जान सकते हैं हमारी गुजारिश है कि हमें कुछ सरल भाषा में बताया जाए तो कबीर जी ने उनकी सरलता को देखते हुए सारे ज्ञान के निचोड़ को बड़े सिंपल शब्दों में एक दोहा के रूप में रखा वो दोहा इस प्रकार से था चार वेद छह शास्त्रों में बात लिखी है दुई उन्होंने कहा चार वेद छह शास्त्रों में बात लिखी है दुई दुख दिन है दुख होत है सुख है सुख होई मैंने चारों वेदों को पढ़ा छह शास्त्रों को पढ़ लिया और उनका सार उनका निचोड़ जो है वो यही है कि अगर तुम जीवन में किसी को दुख दोगे तो दुख मिलने वाला है और अगर सुख दोगे तो सुख मिलने वाला है इसलिए मुझे ये सोचना है कि मुझे दुनिया को क्या देना है क्योंकि दिया हुआ ही काम में आने वाला है अगर मैं जो कुछ भी मैं चाहता हूँ जीवन में मुझे मिले मुझे उसे दूसरों को देना चाहिए जब हम देते जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जमा हो जाएगा हमें मिलेगा तो हमेशा वैसे भी आप जीवन में देख लीजिए जब आप किसी को दुख देते हैं कष्ट देते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख और कष्ट किसको मिलता है आप उसमें से गुजरते हैं तब आप किसी को दुख और कष्ट दे पाते हैं और जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं खुशी लेके आते हैं हो सकता है कि उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़े बहुत मेहनत करना पड़े कहीं ना कहीं अंतर आत्मा में बहुत सुकून मिलता है बहुत खुशी होती है बड़ा अच्छा लगता है तो जो हम दूसरों को देते हैं जीवन में वही वापस आता है तो हमें क्या देना है किस प्रकार से देना है और ये जो दे दें की कहानी है ये केवल यहाँ ही नहीं और ऐसा भी नहीं है कि इंस्टेंटली इमीडिएटली हमें क्या मिलता है सुकून तो मिलता है लेकिन वो एक ब्लेसिंग का रूप धारण कर लेता है जो राइट right टाइम पे हमारे लिए काम में आता है हमें बहुत बड़े बड़े विकट परिस्थितियों से बचा देता है और सुकून देता है खुशी देता है आनंद देता है तो हम सबको एक चीज जीवन में सीखना है देने की कला देना है और वो भी सोचना है कि क्या देना है क्योंकि जो हम देंगे वही मल्टीपल होकर के हमारे पास आने वाला है ठीक है तो उसके लिए भी आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ देने का क्या महत्व है देने से क्या होता है एक देश में एक विचित्र बादशाह थे उस बादशाह को बहुत इच्छा हुई तीव्र इच्छा हुई ये जानने की कि मृत्यु के बाद क्या होता है जब इंसान मर जाता है मरने के बाद उसे क्या फीलिंग होती है किस प्रकार से उसे लगता है बिना शरीर छोड़े वो सब जानने की उनकी तीव्र इच्छा हुई तो बादशाह तो बादशाह तो उन्होंने सारे देश में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु उपरांत विधि पूरा करके मृत्यु उपरांत अनुभव को राजा से शेयर करेगा तो राजा उसे दस हज़ार स्वर्ण मुद्राएं देंगे और उसे और रोचक बनाने के लिए और क्या कहें प्रैक्टिकल बनाने के लिए राजा ने उस सारे प्रोग्राम को सारे शेड्यूल को अच्छी तरह से सेट किया वो इस प्रकार से था कि जो व्यक्ति ये इनाम लेना चाहता है उसे मृत्यु को प्राप्त करना होगा सचमुच नहीं मरना होगा लेकिन जैसे एक डेड बॉडी पड़ता है तो उसे डेड होना होगा उसके उस आ, क्या कहेंगे उस, उसके ऊपर कफन डाला जाएगा उसे सजाया जाएगा और उसे ठीक से आ, उसका अंतिम यात्रा निकाला जाएगा क्या बोलते हैं उसके लिए मजार सजाया जाएगा ताबूत सजाया जाएगा और उसका जो है वो अंतिम यात्रा करके ले जाया जाएगा और उसे लास्ट में दफन कर दिया जाएगा जिस प्रकार से हाँ इस्लाम की विधि बादशाह था तो उसी विधि से वो करना चाहता था उसको दफना दिया जाएगा एक रात उसको दफन रहना होगा दूसरे दिन आके वो अपना अनुभव सुनाएगा तो उस देश में एक बहुत बड़ा माइज़र रहता था कंजूस रहता था जिसको पैसे से बहुत प्यार था और स्वर्ण मुद्राएं सोच के तो उसे बहुत अच्छा लगा कहा बस एक दिन एक्टिंग करनी पड़ेगी और उसके बदले में दस हज़ार स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं तो और क्या चाहिए वो कभी कुछ भी किसी को नहीं देता था और पैसे इकट्ठा करना उसका जैसा एक बहुत बड़ा शौक़ था तो उसने हामी भरी कि मैं ये सारा अनुभव करके राजा से अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ तो उसको बुलाया गया और उसको धरती पे लिटा दिया गया और उसके ऊपर कफन चढ़ा दिया गया तो वो पूरी विधि के साथ कफन से लेटा हुआ था फिर उसके बाद उसका जो क्या कहते हैं उसको मज़ार सजा दिया गया ताबूत सजा दिया गया और उस ताबूत में उसको सजाने के बाद जनाजा की तैयारी की गई अंतिम यात्रा की तैयारी की गई जब उसको ताबूत में रखा जा रहा था तभी एक फ़कीर वहाँ पहुँचा और उस फ़कीर ने कहा देख भाई आज तो तेरी अंतिम यात्रा निकल रही है तो कुछ दे मुझे कुछ दे तो उसने कहा देखो ज़िंदगी भर मैंने किसी को कुछ नहीं दिया है मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूँ तुम चले जाओ यहाँ से फ़कीर ने कहा नहीं नहीं तुम्हें कुछ देना पड़ेगा तुम दो, दो 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 वो दो दो करे ये ना ना करे मैंने ज़िंदगी भर में किसी को कुछ नहीं दिया नहीं नहीं देखो तुम अपनी अंतिम यात्रा में जा रहे हो तुम्हें कुछ देना चाहिए देना चाहिए दोनों में बातचीत चलती रही फिर ताबूत तैयार हो गया जनाजे की तैयारी हो गई सब लोगों ने उसको उठाया चार कंधों पे और लेके जाने लगे जनाजा बढ़ता जा रहा था लेकिन फकीर फिर फिर आके उसको कुछ ना कुछ मांगता था दो दो कुछ तो दो कुछ तो दो कहे मैंने ज़िंदगी भर में कभी किसी को कुछ नहीं दिया तो तुम्हें कुछ नहीं देने लगा लेकिन फ़कीर ने बिल्कुल रास्ता बिल्कुल छोड़ा नहीं लास्ट तक चलता रहा भी बड़ा मुश्किल कर रहे हो तुम फाइनली जहाँ पे आ, उनको दफनाना था कब्रस्तान उनके लिए जो कब्र खोदना था वहाँ पे लेके ताबूत को रखा जब वहाँ पे भी ताबूत को रखा कब्र में डालने से पहले तो फिर वहाँ जाके फ़कीर पहुँच गया कहा दो 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 क्या बड़ा मुश्किल बंदा है ये क्या करूँ अभी तो देखा वहाँ अखरोट के छिलके पड़े हुए थे तो उसने ताबूत से हाथ बाहर निकाला एक मुट्ठी भरा अखरोट के छिलकों का और कहा ये ले फ़कीर बहुत खुश हो गया ज़ोर ज़ोर से नाचने लग गया कहा कल्याण हो बहुत अच्छा हो गया तुम्हारा तो बड़ा अच्छा होगा मतलब वो देख पा रहा था कि इसका कुछ अच्छा होने वाला है इसने कहा बड़ा अजीब फकीर है इतने घंटों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है मांग रहा है दो 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 और छिलका लेकर के इतना खुश हो रहा है नाच रहा है फ़कीर चला गया अब यहाँ उसके अंतिम संस्कार की सारी विधि शुरू हो गई कब्र खोद दिया गया और ताबूत से निकाल करके उसको उसमें डाल दिया गया और इस प्रकार से क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल कब्र था रियल वाला नहीं तो उसको अच्छी तरह से जैसे बंद करना था बंद किया लेकिन एक होल रखा था उस होल से वो बाहर देख सकता था और वहाँ से फ्रेश एयर आता था जिससे वो सांस ले सके सब लोग उसको दफना के चले गए अब अंधेरी रात अकेला लेकिन वो तो था माइज़र और पैसे का लोभी तो वो यही सोचता रहा कि कल सुबह मुझे दस हज़ार स्वर्ण मुद्राएँ मिलने वाली हैं तो उस ख्याल में उस ख्वाब में उसे आनंद आ रहा था लेकिन ठीक मिडनाइट को जब चारों ओर अंधेरा है सुनसनाहट है और ऊपर आकाश को देख रहा है उस समय देखा कि एक जहरीला सांप प्रोबेबली जहरीला नाग वो उस होल के आसपास घूम रहा है अंदर देख रहा है होल की तरफ और वो अंदर आने की तैयारी कर रहा है उसे पता था कि अगर वो आया और उसे डस दिया तो आज सचमुच का ही मृत्यु हो जाने वाला है अब क्या होगा बहुत घबरा गया कौन रक्षा करेगा अब उसकी बहुत ज़्यादा सोचने लग गया कि मैंने ये क्या किया दस हजार स्वर्ण मुद्राओं के लिए कितना बड़ा रिस्क ले लिया अब क्या होगा जब इसी चिंता में वो था बहुत ज्यादा घबरा के पसीना आ रहा था तब तो उसने देखा क्या देखा होगा बताइए क्या हुआ होगा बहुत कुछ अच्छा हुआ वो अखरोट के छिलकों में से एक छिलका आकर के उस होल में जम गया वो होल बंद हो गया फिर क्या हुआ होगा हम सभी जानते हैं सांप चला गया दूसरे दिन लोग आए लोगों ने उसे कब्र में से बाहर निकाला ताबूत में से बाहर निकाला उसको जैसे ही वो नॉर्मल हुआ खड़ा हुआ वो दूसरे दिशा में अपने घर के दिशा में भागा जोर से भागा लोगों ने उसको कहा भाई रुको 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 सारा प्रोसेस तुमने पूरा किया है राजा को अपना अनुभव बताओ तुम्हारे दस हजार स्वर्ण मुद्राएं लेकर के जाओ कहाँ भाग रहे हो कहा मुझे पहले रास्ता दो जाने दो जाने दो जाने दो और जैसे ही वहाँ जा कर के पहुँचा उसने अपने घर में जाकर पहुँचा तो उसने उसकी सारी संपत्ति लोगों में बांट दी बुला बुला के लोगों को निवेदन कर कर के हाथ जोड़ के लोगों को देना शुरू किया जो भी नीडी लोग थे सबको उसने अपनी सारी दौलत बांट दी और शाम को वापस आया राजा के बादशाह के पास बादशाह ने कहा मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ ये जानने के लिए कि मृत्यु के बाद का क्या अनुभव है और तुम इतनी देरी से आ रहे हो मुझे लग रहा है कि तुम्हें बहुत कुछ कहना है तुम कहो हम सभी सुनना चाहते हैं दरबारियों से दरबार भर गया था बहुत सारे लोग पूरे देश में से आकर के वहाँ पे इकट्ठे हुए थे जानने के लिए उसका अनुभव सुनने के लिए कि उसे क्या अनुभव हुआ है तो जब सब बैठे थे उसने अपना अनुभव सुनाना शुरू किया और सारी कहानी सुनाई जब से उसका वो क्या कहते हैं कफ़न तैयार किया गया था और जो उसकी अंतिम यात्रा थी सारा जनाजा था और उसके आसपास उस फकीर का घूमना और कुछ मांगना दो 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 करके और उसने ये भी कन्फेस किया कि मैंने जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं दिया था जीवन में पहली बार क्या दिया छिलके दिए अखरोट के और वो दिए हुए अखरोट के छिलके ने मेरी मदद की वो सारी सांप वाली कहानी बताई मैंने ये रियलाइज किया कि जीवन के बाद अगर हमें कुछ चीज सबसे ज्यादा मदद कर पाता है तो वो है हमारा दिया हुआ दान हम जो कुछ दे रहे हैं वो तो मैंने जीवन में बस अखरोट के ही छिलके दिए थे उस छिलके ने आकर के मेरी रक्षा की तो मुझे ये समझ में आया कि जीवन में अगर सब कुछ पाना है तो देने की ज़रूरत है अगर सिक्योर रहना है भय से मुक्त रहना है तो हमें देने की ज़रूरत है और मैं गया मैंने आज अपना सब कुछ नीरी लोगों को दे दिया है जिन लोगों को ज़रूरत है उनको दे दिया है मुझे बहुत सुकून मिल रहा है बहुत खुशी हो रही है और बादशाह जो आप देंगे आज वो सब कुछ भी मैं नीरी लोगों में बांट दूँगा जीवन का यही रहस्य है कि जो कुछ हमारे पास है अगर दूसरों के काम आ सकता है तो उन्हें दे देना चाहिए वही मृत्यु के बाद हमारे साथ जाता है ठीक है भाइयों बहनों इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जीवन में देना बहुत बड़ी चीज़ है जो हम दे देते हैं वो हमारा बन जाता है और जिसे हम पकड़ करके रखते हैं वो रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल जाता है तो अगर जीवन को रेत की तरह फिसला देना है सब कुछ पकड़ के रखें और अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपके साथ जाए तो उसे दे दीजिए बांट दीजिए जिन उन लोगों को जिनको इनकी ज़रूरत है कुछ अच्छा कार्य करके जाए करके जाएं इस जीवन में जो दूसरों के काम में आ सके जो व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों के लिए दूसरों के भले के लिए करते हैं बनाते हैं उन लोगों का जीवन धन्य है परमात्मा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं बच्चे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सेवा है नदियाँ न पिए कभी अपना जल वृक्ष न खाएं कभी अपना फल अपने तन को मन को धन को दुझे को दे दे दान रे वो सच्चा इंसान रे इस धरती का भगवान रे अगर इस धरती का भगवान बनना है महान बनना है श्रेष्ठ बनना है तो देना सीखें निस्वार्थ पर भाव से विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दूसरों को दें जस्ट देना सीखें देना सीखें देना सीखें तो देखना जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा खुशहाल हो जाएगा ओम शांति